ग्वालियर पुलिस ने राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का रास्ता रोककर उनको बेशरम के फूल और धिक्कार पत्र देने वाले एनएसयूआई के नेताओं सहित 11 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में साफ लिखा गया है कि कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। एनएसयूआई नेताओं ने एक साथ खड़े होकर रूल ऑफ 6 नियम का उल्लंघन किया है। एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर सचिन द्विवेदी समेत 11 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। दरअसल शनिवार सुबह जैसे ही राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी कार से सड़क मार्ग द्वारा दिल्ली के लिए रवाना हुए, तभी गोला का मंदिर चौराहा फुट ओवर ब्रिज पर एनएसयूआई नेता सचिन द्विवेदी ने अपने समर्थकों के साथ सिंधिया की कार आते ही उन्हें घेर लिया। अचानक लोगों के सामने आने पर सिंधिया ने गाड़ी का शीशा नीचे किया तो एनएसयूआई नेताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी और सिंधिया को बेशरम के फूल और धिक्कार पत्र सौंपा। पत्र की भाषा पढ़कर सिंधिया का चेहरा लाल पड़ गया और बेशरम के फूल लौटाकर रवाना हो गए। एनएसयूआई ने पत्र में लिखा था कि कोविड संक्रमण से जब लोग मर रहे थे तब आप कहाँ थे, जैसे ही संक्रमण काबू में आया और अनलॉक हुआ तो आप आपदा में राजनीति करने आ गए। बताया जा रहा है कि सिंधिया का रास्ता रोकने वाले एनएसयूआई के नेताओं के खिलाफ किसी ने शिकायत नहीं की है, बल्कि गोला का मंदिर थाना विनय शर्मा ने स्वयं मामले को संज्ञान में लिया है। पुलिस का कहना है कि सिंधिया के गुजरते समय गोला का मंदिर पर पॉइंट लगाया था। वहां एनएसयूआई के नेता सचिन और अन्य के आकर सिंधिया के वाहन के सामने नारेबाजी कर हंगामा किया। अभी कोविड के लिए गाइडलाइन जारी है, उन्होंने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग रखी ना ही रूल ऑफ 6 नियम का पालन किया, इस कारण ये मामला दर्ज किया गया है।